आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लातेहार जिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाजार डाड़ से किसान बिल के विरोध में जुलूस निकाला, जिसमें ट्रैक्टर जुलूस निकला। इस जुलूस में नारा लगा, मोदी मुर्दाबाद, किसान बिल वापस लो। नारा लगाते मुख्य शहर होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचा। यहां आम सभा में सभी वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। किसान बिल किसानों के लिए हत्या है। जिला अध्यक्ष मुनेश्वरा में कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसान अन्नदाता है। इस पर अन्याय करने वाले बीजेपी सरकार को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रम प्रभारी बद्री राम ने मोदी सरकार का किसान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध किया है। इस बिल से किसान गुलाम हो जाएगा। सुरेंद्र पासवान, सचिदा पांडे, पंकज तिवारी, अफताब आलम सहित कई वक्ताओं ने संबोधन कर भाजपा केंद्र सरकार की आलोचना की है। इस रैली में प्रवेश उराव, सुरेंद्र रामराज किशोर सिंह, सुरेंद्र रामराज किशोर सिंह, साजन कुमार, बसंत यादव, महेंद्र प्रसाद, बीरबल सिंह सहित सैकड़ों लोग इस रैली में सम्मिलित हुए। इस जुलूस में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह इनके समर्थक सम्मिलित नहीं हुए। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम पत्र डीडीसी सुरेंद्र वर्मा को समर्पित किए। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। बोलिए, आप जो जुलूस निकाले इसका क्या उद्देश्य? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि आप सब जान रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से किसान विरोधी कानून बिल लाए। तीन कानून जो उन्होंने लाए, ये सभी के सब किसान विरोधी कानून है और किसान मरने के कगार पर आ गया है। भारतवर्ष किसान महान देश माना जाता है और उन्होंने किसानों के प्रति इतना अत्याचार किया गया, जो इसका समझिए कि वकान नहीं किया जा सकता। तो आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर आज किसान मजदूर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। उसी के संदर्भ में हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से माननीय अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी ने लातेहार जिला भेजकर जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम में सम्मिलित होना है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफल कराना है। ये कार्यक्रम आज जिला में हुआ है, यह कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर। बताइए, बिल में क्या कमी है? बिल में कमी है, तीन बिल जो पास हुआ, तीन बिल जो उन्होंने पास किए वो किसान विरोधी बिल। कैसे विरोधी जी? इसमें क्या तत्व है जो विरोध है? किसान को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाएगा। एक का नाम है मूल, आप जो सामान खरीदते हैं, आप वहां से खरीदे हैं, आपको उस रेट पर उसको देना होगा। तो आप किसान, तो आप कहीं सामान हम लिए, कहीं सामान हम बेच सकते हैं, कहीं दे सकते हैं। और ये तो का नाम है सिर्फ पूंजीपतियों यानी व्यवसायियों को ही, उद्योगपतियों को ही का नाम बेनिफिट इससे हुआ, किसान को तो कोई बेनिफिट नहीं इससे है। अच्छा, इसके पहले आप जो जनकल प्रस्ताव की सरकार लाई थी जी, वो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हवाला। आज कोई भी बीज किसान नहीं रख रहे, खरीदना पड़ रहा है। इस पर कुछ बोलिए, किसान कैसे भी रख रही है? किसान तो बिल तो रखी रही है या नहीं? नहीं, आज तो खरीद रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो खरीद भी रहा है, लेकिन का नाम है उदंकर बिल के माध्यम से ऐसा हो रहा है। ऐसा कहना यह नहीं है, जो प्रस्ताव था आपकी सरकार लाई थी, जंकर प्रस्ताव लाए तो उसमें का नाम इस तरह खामियां नहीं आई थी। आपके आपके विधायक आए ना, उनका कोई आदमी ना है आज के जुलूस में? क्या ये प्रदेश नेतृत्व का अवहेलना नहीं है? नहीं नहीं, विधायक यहाँ तो हमारे इसे वो जेएमएम से आते हैं, हमारे सहयोगी वो हैं। आपके कांग्रेस से रामचंद्र, लेकिन ये तो कार्यक्रम जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है,
रामचंद्र सिंह का नाम थे मनिका विधायक को, तो वो लगता है उनका भी कहीं प्रोग्राम होगा या फिर गए प्रदेश में, क्या नाम इस तरह का कोई जानकारी नहीं है इसकी सूचना आपको नहीं है? इसकी सूचना हमको नहीं है, ऐसे हम जानकारी करेंगे उससे पूछा जाएगा कि भाई आपको जिला में रहना चाहिए, हो सके प्रदेश गए होंगे। धन्यवाद।